सभापति महोदया, सभापति महोदया, आपने 377 में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। महोदया, मैं बिहार के अररिया जिला से आता हूँ। महोदया, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये जो चार पांच जिले हैं, ये नेपाल का सटा हुआ जिला है। हमारे बगल में नेपाल आता है। नेपाल में अधिक वर्षा के कारण लगातार वहाँ बाढ़ आती है, और महोदया, जब बाढ़ आती है तो फसल तो बर्बाद हो ही जाता है। हम लोग जो रोड, पुल, सड़क बनाते हैं, 5 साल वह एक दिन में लेके चला जाता है, जान माल का क्षति होता है। महोदया, मैं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री को धन्यवाद करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को। हेलो, लिखा हुआ पढ़े, आपका लाइट जल रहा है, आवाज नहीं जा रही है? हाँ, जा रही है, लिखा हुआ पढ़िए, लिखा हुआ। महोदया, मैं अपनी बातों को एक मिनट में खत्म करूंगा। महोदया, कोसी मैची नदी जोड़ योजना भारत सरकार का जल शक्ति मंत्री ने स्वीकृति दिया है, और यह जो है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से ना, लिखा हुआ पढ़िए ना, लिखा हुआ आपके पास नहीं है क्या? नहीं, उसी को मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, देख कर पढ़िए, 377 देख कर पढ़ा जाता है। अच्छा महोदया, हमारा जिला अररिया नूना, बकरा, परवान, कनकई, सुरसर, भलुआ जैसी अनेक नदियाँ हमारे जिला में चलती है, और नेपाल से सटा हुआ वह पहाड़ी नदी है। महोदया, पानी बारिश होने के कारण यह जो है फसल बर्बाद हो जाता है, और वहाँ पर जो है, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि माननीय जल शक्ति मंत्री के पास योजना लंबित है, इनको जल्द से जल्द स्वीकृत है राशि का आवंटन किया जाए, और ताकि बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, किसानों का फसल जो है वो बचेगा, और हमारा रोड, पुल, सड़क जो बनता है वह, और 2 लाख जमीन का, हेक्टेयर का जमीन का सिंचाई का पटवन होगा। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जल्दी आवंटन किया जाए, ताकि हमारा 4 जिला अररिया बाढ़ से मुक्ति मिले। धन्यवाद।